हेलो फ्रेंड्स, सोनिया जानी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बच्चों को छुट्टियां हो गई हैं, निकल पड़े हैं अपने घर से एक और मंजिल की ओर। तीन चार दिन का घूमना, अपनी एक और यादें बनाना, फिर लौट के बुद्धू घर को आना। देखें क्या नज़ारा है। ये पुणे से शिरडी का रास्ता है। कभी सोचा नहीं था कि साउथ में भी पहाड़ होते हैं, वेस्ट में भी पहाड़ होते हैं। बचपन में सिर्फ नॉर्थ के पहाड़ ही देखा करते थे और पढ़ाई में ज्योग्राफी में कोई इतनी ज़्यादा महारत हासिल नहीं थी कि वो सब यादें बनी रहें। ये जब हम बरसात में आते हैं ना, तो ये जो पहाड़ है ना, पूरे हरे हो जाते हैं। हरियाली लिए हुए जब पहाड़ अपना जो सुरूर छोड़ते हैं ना, उसका अलग ही मजा है। देखिए पहाड़ों को काट काट कर कैसे रास्ते बनाए गए हैं। जब हम डलहौजी और मनाली जाते हैं ना, तो वहां पे इतने बड़े बड़े रास्ते नहीं दिखते हैं। एक ही छोटा सा संकरा सा रास्ता रहता है, उसी में ही आना और जाना रहता है। बहुत मुश्किल होता है, एक तरफ खाई एक तरफ पहाड़, बीच में हम, बहुत मुश्किल है। यहाँ ड्राइविंग अच्छी है बट मुझे ड्राइविंग करनी नहीं आती है। देखिए आगे क्या मस्त नज़ारा है। अभी हम पहाड़ों के बीच में से जाएंगे। अगर ये पहाड़ काटा ना गया होता, टनल सा बनाया होता, तो कितना मज़ा आती थी। आप देखिए ये देखो, पहाड़ों को एक जालीनुमा चीज से ढका गया है क्योंकि शायद यहाँ पत्थर वत्थर गिरते हैं, इसकी वजह से शायद। ये देखिए क्या खूबसूरत नजारा। कौन सी जगह है ये? संगम नीर का रास्ता है। ऐसे नहीं लग रहा कि हम कहीं फॉरेन में आ गए। रास्ते में एक भी गंदगी नहीं है, सफाई है बस। और ये मेरा बेटा खांसी कर रहा है, जानबूझ के कर रहा है। उसको पता है माँ वीडियो बना रही है तो उसको खांसी कर रही है, बट मैं उसको दिखाऊंगी नहीं। चलिए अभी आगे और भी वीडियोस बनाती रहूंगी, करते रहेंगे। तब तक के लिए आप मेरे वेबसाइट में जाइए, वहाँ पर मेरी नई पॉइंट्स, नई कहानियाँ शेयर करिए, वो देखिए। स्टोरी मिरर एक ऐप है, उस पर पोस्ट करी है बहुत सारी कविताएं, उसको देखिए, पढ़िए और उसके कमेंट ज़रूर करिएगा। और ये वाला वीडियो कैसा लगा है वो भी ज़रूर शेयर बताइएगा मुझे। मैं शिरडी पहुँच कर आपको कोशिश करूँगी वहाँ के मंदिर के पास के दर्शन ज़रूर करवाऊँ। मंदिर के बीच में तो अलाउड नहीं है जाना, लेकिन आसपास की जगह के दर्शन ज़रूर करवाऊँगी। चलिए बाय बाय।